उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में किसान हित में किसानों के नए संगठन की स्थापना, भारतीय किसान यूनियन लोक हित की स्थापना सभा में शामिल होने के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों से किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। स्थापना सभा जनपद बुलंदशहर की कस्बा बीवी नगर में रविवार को आयोजित की गई। स्थापना सभा में शामिल होने के लिए किसान गाड़ियों में सवार होकर जनपद हापुड़ के विभिन्न मार्गों से गुजरे। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश यूड़ ने दावा किया कि सभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करीब 20,000 किसान शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन लोक हित का उद्देश्य किसान हित, राष्ट्रीय हित व जनहित है। देखिए, हम लोग 2018 से इकट्ठे काम कर रहे हैं और आपको याद होगा गाजीपुर में किसान आंदोलन चला था 2020 और 21 जब लॉकडाउन लगा हुआ था, और उसमें जब हम वहाँ पहुँचे थे गाजीपुर में तो हमें कहा गया कि भाई आप मोदी से टक्कर ले रहे हैं, आपके 3 किसान बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं और किसानों की समस्याएं वो 3 कानून बिल जो है जो कृषि बिल हैं वही हल करेंगे। तो हमने कहा था ये कृषि बिल गलत, इसमें अनुबंध खेती और अदानी के हाथ में जो FCI के गोदामों की चाबी दे दी गई है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा के ये लोगों पे महंगाई की मार पड़ेगी। आज आप बता दीजिए कि सब्जी का दाम क्या है, आप बता दीजिए कि आटा कहाँ पे कितने का मिलता है, दालन और तिलहन कहाँ पे कितने की मिलती है, तेल के रेट क्या है। तो ये सब बातें हम लोगों ने 2018-19 में कहनी शुरू कर दी थी, अब वो बात प्रत्यक्ष हो गई है, सच हो गई। मोदी जी को 3 कृषि बिल वापस लेने पड़े क्यों हम लोग संघर्ष करते रहे, 750 किसान शहीद हो गए उसी की मुहिम में, क्योंकि अभी हमारे को MSP की लीगल गारंटी मिली नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने वादा की थी वादा खिलाफी करी है, उसके खिलाफ सारे किसान देश के संगठित होकर फिर सरकार को चेताएंगे कि आपने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए और जो काम आपने हमें कहे थे वो पूरे नहीं हुए हैं, किसानों की समस्या ज्यों के त्यों है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग संगठित होकर फिर से एक नया आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर शुरू करेंगे और मोदी को चेतावनी देंगे कि अगर तुमने बात नहीं सुनी तो ये सरकार तुम्हारी ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। सांप्रदायिकता के आधार पर और ध्रुवीकरण के आधार पर अब आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, लोगों के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं, खुल चुके हैं। ये बात देखिए, आज बीबी नगर बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन लोक हित की स्थापना सभा है। आज वहाँ पर 10 जिलों से प्रतिनिधि आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथी आतमजीत पहुंच गए हैं, हापुड़ से हमारे जिला अध्यक्ष बानाजी आ गए और कम से कम 10,000 से 15,000 लोग आज उस स्थापना सभा में पहुंच रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सभी जनपदों से लोग पहुंचेंगे और भारतीय किसान यूनियन लोक हित जो हमेशा जनहित में लोक हित में काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी उसकी स्थापना सभा में हम सब पहुँच रहे हैं। 100+ गाड़ी हापुड़ से आई हैं, बाकी हमारे गढ़ ब्लॉक से, सिंभावली ब्लॉक से, धोलाना ब्लॉक से सभी गाड़ियां लग के 150-200 गाड़ियां हैं जो हमारी आज हमारे नए संगठन की स्थापना है उसमें पहुंच रही हैं और सब अपना हर तरह से साथ देंगे, अपने संगठन में हर तरह से सहयोग करेंगे और जो हमारे बड़े पदाधिकारी हमें आदेश देंगे उसके साथ ही हम काम करेंगे।